दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में चिपकने वाली बहुत सी चीजें, फिर चाहे वो च्युइंगम हो, इंश्योरेंस एजेंट हो या फिर आपका एक्स हो, और आमतौर पर हम में से किसी को इनमें से और इनके अलावा भी जबरदस्ती चिपकने वाले लोग और चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आते। मगर अब जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ वो हम सबके बचपन का पसंदीदा खिलौना रहा है, चुंबक। जी हाँ, ये एक जमाने में भारत के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चों का सबसे कूल खिलौना हुआ करता था। और अगर किसी के पास बेलन वाली चुंबक हो तो फिर उसकी खातिरदारी ऐसी होती थी जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट वही है। मगर बचपन में इन सबसे खेलते समय हमने कभी ये नहीं सोचा था कि चुंबक आती कहाँ से, बनती कैसे, और क्या हम चुंबक घर में भी बना सकते हैं। तो इन सारे बचपन के सवालों के जवाब आपको अब जवानी में मिल जाएंगे इस छोटी सी वीडियो के अंदर, जिसको आपको लाइक भी जरूर करना है। भाइयों चलिए शुरू करते हैं। कैसे बनती एक चुंबक? चुंबक बनाने के लिए लगभग 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली है मोल्ड मेकिंग। चुंबक के सांचे यानी मोल्ड को बनाया जाता है, और उसको बनाने के बाद जिस शेप का चुंबक चाहिए होता है उस शेप के धातु में रेत को भर दिया जाता है, और रेत भरने के बाद जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसे हटा दिया जाता है। अब इसके बाद इस रेत को मजबूत किया जाता है, और ऐसा मैसा मजबूत नहीं, इसको एक पठार जितना मजबूत कर दिया जाता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। इसके लिए उस सांचे को एक मशीन के अंदर रखा जाता है जो अपना हाइड्रोलिक प्रेशर डालती है, और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इस मिट्टी के सारे कण आपस में इस कदर चिपक जाते हैं कि ठोस मजबूत ढांचे का रूप ले लेती है, जो कि अब आसानी से टूटने वाली नहीं। जरा अंदाजा लगाइए कि कितना प्रेशर होगा दोस्तों, एक मिट्टी को उसने मजबूत ढांचा बना दिया। अगर अंदाजा नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। इसके ऊपर लगने वाला दबाव लगभग 10,000 PSI से लेकर 15,000 PSI तक होता है। आपको बता दें कि जैसे लंबाई चौड़ाई नापने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती हैं, वैसे ही PSI भी प्रेशर और दबाव को नापने की एक यूनिट है। और आप समझ ही गए होंगे कि 10,000 PSI बहुत ज्यादा प्रेशर है, इतना कि अगर आपने इसके नीचे हाथ रख दिया तो आपकी हड्डियां इतनी चकनाचूर हो जाएंगी कि खून के साथ बाकी शरीर में बहने लगेंगी। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हीटिंग। जब अलग अलग डिजाइन के ढांचे बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन ढांचों के लिए चुंबक का घोल भी तैयार करना पड़ता है। अब उस घोल को बनाने के लिए सामग्री में जो इस्तेमाल होता है वो होता है तांबा, कोबाल्ट, सल्फर, निकोल, लोहा, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। अब आप सोच रहे होंगे कि सारी धातु की चीजें एक साथ मिलकर क्या करेंगी, तो आपको बता दें कि इन सबको पिघला कर एक लिक्विड बनाया जाता है। इसके लिए इन सारी धातुओं को एक भट्टी में डाल दिया जाता है, और इन्हें पिघलाना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। 1600 डिग्री तक की आग और गर्मी इन्हें पिघला पाती है। देखिए कैसे कारीगर एक भट्टी में सारे धातु डाल रहे हैं और मिला रहे हैं, जैसे कढ़ाई में गाजर का हलवा बन रहा हो। खैर ये जो लिक्विड तैयार होता है उसमें इतना आयरन होता है कि आप इसके एक घूंट से आयरन मैन 2 बन जाएंगे। नहीं ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि लावा जितना गर्म होता है। कूलिंग एंड मोल्डिंग। जब ये पिघलकर तैयार हो जाता है तो इस गरम गरम लावा को सांचों में डालने का प्रोसेस शुरू होता है, जिसको बड़ी सावधानी से पहले तैयार किए हुए सांचों में डाला जाता है। और जब एक बार ये उसमें अपनी जगह बना लेते हैं तो इन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है, जिसमें इन्हें तब तक रखा जाता है जब तक ये अपने सांचों में कड़क होकर वापस एक धातु नहीं बन जाते, जिसको आसानी से तोड़ा ना जा सके। फिनिशिंग। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो उसके बाद आप चुंबक को बनाने के बहुत करीब आ चुके हैं। अंतिम प्रक्रिया में उस मिट्टी वाले सांचे को जिसको सबसे पहले बनाया गया था उसको तोड़ तोड़ कर हटा दिया जाता है, और देखिए कैसे कारीगर हथौड़े से सांचे को तोड़ रहे हैं। और क्योंकि अब इनके अंदर का वो लिक्विड एक अलग मजबूत धातु बन चुका है जिसको इन हथौड़े से ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, अतिरिक्त सामग्री को हटाने के बाद उसमें से चुंबक छांट कर अलग कर देते हैं। मगर रुकिए, अभी ये चुंबक पूरी तरह से बने नहीं है, ये तो बस एक मामूली धातु है जिससे अभी फिलहाल तक कुछ भी आकर्षित नहीं होगा। अभी तो इसमें क्वालिटी डाली जाएगी जिससे चुंबक बनेगी, और फिर किसी लोहे से जा चुकेगी, और उसके लिए इसको एक और प्रोसेस से गुजरना होगा, वो मिलेगा आपको अगले पॉइंट में। मैग्नेटाइजेशन। अब तक की सामग्री तो केवल पिघले हुए धातु का एक टुकड़ा है, इसे एक चुंबक में बदलने के लिए आपको एक मशीन के ऊपर रखा जाता है। वो मशीन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर करने के लिए होती है। मशीन पर चुंबक रखकर नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ से करंट भेजा जाता है, जिससे ये छोटा सा धातु एक चुंबक में बदल जाता है, और अब ये आपके खेलने के लिए तैयार है। इतने सारे प्रोसेस के बाद अब इसमें मैग्नेटिज्म आ चुका है, और ये किसी भी लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। देख लीजिए दोस्तों कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसी को आकर्षित करने के लिए, और हम एक दो बार ट्राई करने के बाद ही सोचते हैं कि वो भाव क्यों नहीं दे रही। चलिए ये तो हो गई बड़े कारखानों में चुंबक बनाने की बात, मगर कैसा रहे कि आप अपने घर में ही चुंबक
यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना सके? जानना चाहते हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं हम घर में चुंबक बनाने की प्रक्रिया। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे आसान एक्सपेरिमेंट को लेकर आए हैं जिसमें हम एक लोहे की कील को विद्युत चुंबक में बदलेंगे, और आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर भी आजमा सकते हो। सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए होगा एक बड़ा वाला टॉर्च सेल, जो शायद आपको आपकी दादी के कमरे में मिल जाएगा, एक लोहे की 3 इंच की कील, जो आप कैलेंडर उतार कर ला सकते हो, तांबे का तार जिस पर कपड़ा चढ़ा हुआ हो, इसका जुगाड़ आप खुद कर लीजिए। स्टेपलर पिन को अपने ऑफिस ड्रॉयर से निकाल लीजिए, और आल पिन जो जरूर उसी ड्रॉयर में होगी। इस सामग्री को इकट्ठा करने के बाद आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं बस। स्टेप 1, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सबसे पहले एक लोहे की कील लेनी है, जो कि करीब 3 इंच की होनी चाहिए, और उस पर किसी मेटल की तार को कुंडली बनाकर चढ़ाना है। ध्यान रहे कि तार पर कपड़ा जरूर चढ़ा हुआ हो। स्टेप 2, उसके बाद आप तार के सिरों से थोड़ा थोड़ा कपड़ा उतार दें, ताकि उनके जरिए तारों में करंट दौड़ाया जा सके। आप चाहें तो इन सिरों पर आलपिन भी सेट कर सकते हो। स्टेप 3, अंत में आपको तांबे के तारों के दोनों सिरों को, जिस पर आपने आलपिन भी लगाई हुई है, उन्हें टॉर्च सेल के दोनों छोरों प्लस और माइनस पर टच कराना होगा। स्टेप 4, बस इस तरह कील में तांबे के तार के जरिए विद्युत यानी करंट दौड़ने लगेगी, और वो एक चुंबक की तरह काम करने लगेगी और बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपको करना ये है कि आप कुछ स्टेपलर की पिन को लें और उन्हें विद्युत चुंबक के पास लेकर आएं। आप देखोगे कि विद्युत चुंबक वाली कील स्टेपलर पिन को अपनी तरफ खींच लेगी, और यकीन मानिए फिर आप खुद को साइंटिस्ट से कम नहीं समझेंगे। अगर आप ये ट्राई करने वाले हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कभी आपने एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल कॉलेज में किया हो तो भी बता दीजिए। तो दोस्तों, ये थी आपके बचपन के साथी चुंबक और उसको बनाने की प्रोसेस। आपको अगर वीडियो अपने बचपन की हल्की सी भी याद दिला रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम भी आपके लिए ऐसी रोमांचक वीडियोस लाते रहें जिनसे आपका और हमारा मन लगा रहे। चलिए, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।